नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली की भक्ति जो लोग करते हैं उनके जीवन में माँ की कृपा से ऐसा सकारात्मक बदलाव आता है, ऐसा अविश्वसनीय बदलाव आता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। माँ के भक्त जब अपने अनुभव शेयर करते हैं और ऐसे ऐसे अनुभव बताते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर से नहीं रोमांच से, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, माँ की अनुभूति को गहराई से महसूस करने का जो एक अद्भुत एहसास है, एक अनुभव है, वो वर्णन से परे है और एक माँ का भक्त ही इस अनुभव को महसूस कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो माँ की कृपा से वंचित है, माँ की ममता उनकी कृपा को नहीं समझता, उसके लिए ऐसे अनुभव पचा पाना, इन चीज़ों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो माँ की भक्ति से भक्तों के जीवन में बहुत बदलाव आता है और बहुत जल्द लोगों को माँ की कृपा प्राप्त होती है जो माँ की भक्ति करते हैं। दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन दिव्य शक्तियों के बारे में, उन ऊर्जाओं के बारे में जो माँ के भक्तों के अंदर स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं, और साथ ही किस वजह से ऐसा होता है, इसके पीछे का कारण क्या है कि माँ की भक्ति तुरंत फल देती है। तो ऐसा इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि मूलाधार चक्र में माँ काली का वास है। मूलाधार चक्र की देवी माँ काली हैं और मनुष्य के अंदर जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं, वो मूलाधार चक्र में होती हैं। ये शक्ति अगर जागृत हो जाए तो साधक का जीवन बदलने लगता है, क्योंकि ये शक्तियाँ मूलाधार चक्र से लेकर हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं और हमारे समस्त चक्रों को सक्रिय करते हुए हमारे सहस्रार चक्र तक पहुँचती हैं। हमारा सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाता है, खुल जाता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है और साधक इस विराट ब्रह्मांड से सीधा जुड़ जाता है, उसके संपर्क में आ जाता है। तो पहली बात कि माँ की पूजा से, उनकी साधनाओं से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के अंदर प्रवाहित होने लगती है। इसी मूलाधार चक्र में माँ की कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में होती है और कुंडलिनी में दिव्य शक्तियाँ भी सुप्तावस्था में होती हैं, जागृत नहीं होती हैं। माँ काली की निरंतर साधना से, उनके मंत्रों के नियमित जप से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और इसमें सोई भी दिव्य शक्तियाँ सक्रिय होने लगती हैं। व्यक्ति की चेतना का स्तर स्वतः ही बढ़ने लगता है। व्यक्ति का आभामंडल, उसका जो एनर्जी फील्ड जिसे कहते हैं, ऑरा भी जिसे कहते हैं, तो बहुत सशक्त हो जाता है, चमकीला हो जाता है। हर व्यक्ति का अपना एक आभामंडल होता है, लेकिन जो भी व्यक्ति साधनाओं में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, उनका आभामंडल सामान्य लोगों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा विशाल और चमकीला होता है। माँ की भक्ति करने वाले साधकों का जो आभामंडल होता है वो बहुत तेजस्वी, बहुत आकर्षक होता है और इतना आकर्षण, इतना तेज आभामंडल के अंदर होता है ऐसे लोगों के कि किसी को भी सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप देखेंगे कि जो भी माँ के भक्त होंगे उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, अलग ही आभा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा मनुष्य के अंदर उतरने लगती है तो साधक का स्वयं का व्यक्तित्व कितना विराट, कितना दिव्य बन जाता है। साथ ही व्यक्ति शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। माँ काली का साधक धन, समृद्धि, सफलता को जल्दी प्राप्त करता है, या कहना चाहिए कि इन सभी भौतिक चीज़ों को जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कार्य करने की अद्भुत क्षमता और कठिन कार्य करने की क्षमता, दृढ़ संकल्प, शारीरिक और मानसिक मजबूती, ये गुण माँ काली के साधकों के पास अवश्य होते हैं, या कह सकते हैं कि माँ की नियमित पूजा साधना से ये गुण साधक के अंदर विकसित होने लगते हैं। और इसका कारण मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का मूलाधार चक्र बहुत जल्द माँ की साधनाओं से जागृत होता है। और यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो भौतिक जीवन से संबंधित है, अर्थात हमारे भौतिक जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं, धन समृद्धि है, सफलता है, कार्य करने की क्षमता है, कठिन कार्यों को भी सफलतापूर्वक मैनेज करने की, संचालित करने की क्षमता है, ये सब बेसिक चक्र अर्थात मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है। तो माँ काली की नियमित उपासना से इन सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए तो माँ काली की साधना परमावश्यक है, माँ की नियमित पूजा परमावश्यक है, क्योंकि उन्हें उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जिस शक्ति की ज़रूरत होती है, जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो है माँ काली की शक्ति।
तो ये सोच कि माँ की साधना सिर्फ तांत्रिकों के लिए है या कुछ विशेष साधकों के लिए है, ऐसा नहीं है। गृहस्थों को भी माँ की साधना अवश्य करनी चाहिए, और वैसे भी माँ की शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनके प्यार पर उनकी हर संतान का बराबर अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विडंबना है कि कुछ लोगों की सोच पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है। माँ की पूजा से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वाकई हैरान करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो माँ की साधना करना चाहते हैं पर घर वाले मना करते हैं। कहीं माँ की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने की आज्ञा नहीं है तो साधक छुप छुप कर माँ की पूजा करते हैं। कई व्यक्तियों को माँ की साधना करना चाहते हैं वो इसीलिए परेशान हैं कि उन्हें घर में, उनके जो घर वाले हैं वो माँ की साधना की पूजा की आज्ञा नहीं देते हैं। तो ये सोच हटानी चाहिए और गृहस्थों को अवश्य माँ की पूजा करनी चाहिए। और वैसे भी माँ की पूजा से ही आपका मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और जीवन में सफलता, पैसा, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। और साथ ही माँ के जो भक्त हैं उनके शत्रु प्रभावहीन होते हैं, क्योंकि ऑरा, जो ऊर्जा का स्तर है, वो इतना व्यक्ति का बढ़ जाता है कि जो शत्रु है वो निस्तेज हो जाता है। चाहे कितना भी ताकतवर हो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और यहाँ पे शत्रु से मतलब सिर्फ इंसानी शत्रु नहीं, रास्ते की कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट या कोई भी नकारात्मक एनर्जी जो आपके अंदर है, आपके खुद के अंदर है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो व्यक्ति के खुद की नकारात्मक सोच, उसके खुद के विकार होते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, तो ये सब चीज़ें माँ की भक्ति से, उनकी साधना से खत्म होती हैं, क्योंकि साधक का आभा मंडल इतना दिव्य, इतना ऊर्जित हो जाता है। इसके अलावा जो दिव्य शक्ति एक माँ के साधक के अंदर आती है कि उसका मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया हो जाता है। डिप्रेशन है, मानसिक तनाव, चिंता, ऐसे जो विचार हैं वो व्यक्ति पर हावी नहीं होते, क्योंकि जब व्यक्ति की चेतना का स्तर बढ़ता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती है, माँ की शक्ति साधक के अंदर प्रवेश कर जाती है और मानसिक रूप से उसे मजबूत बनाती है। साथ ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है, एक दृष्टा भाव व्यक्ति के अंदर पैदा होने लगता है, जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है, कोई भी स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहती, इस तथ्य को वो भली भांति समझने लगता है, तो जीवन के उतार चढ़ावों से ऊपर उठ जाता है, इससे प्रभावित नहीं होता, माँ पर अपनी आस्था, अपना विश्वास रखता है। और माँ की भक्ति से कोई ना कोई रास्ता भक्तों को अवश्य मिलता है और वो जीवन की परीक्षाओं को बिना विचलित हुए पार कर जाते हैं। इसके अलावा माँ की भक्ति व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाती है, अर्थात भौतिक रिद्धि सिद्धि तो प्रदान करती ही है, साथ ही उचित समय पर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि माँ मोक्ष की दात्री है। और यहां मोक्ष से मेरा मतलब मृत्यु के बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं, वरना जीवित अवस्था में रहते हुए अपने संपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए एक दृष्टा भाव में रहना, साक्षी भाव में रहना, यही मोक्ष है, और मेरा तात्पर्य यही है। तो माँ की भक्ति सुख दुख से ऊपर उठना सिखाती है। जिस प्रकार ऋतुओं के परिवर्तन के बावजूद भी ये प्रकृति निर्बाध रूप से बहती है, निरंतर है, गर्मी है चाहे बरसात है, बसंत है पतझड़ है, इन सबको अनुभव करते हुए अपनी आदि तत्व में ये प्रकृति स्थित है। उसी प्रकार माँ की भक्ति करने वाले व्यक्ति भी जीवन के हर क्षेत्र में, सुख में, दुख में, अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं, इन चीजों से प्रभावित नहीं होते, और यही मोक्ष है। जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि माम, जयंती ते स्तुवंती ये शुभम लभंत्य मोक्षतः, अर्थात हे ईश्वरी तुम्हारी जय हो, हे त्रिलोचने तुम मुझ पर कृपा करो, हे माँ काली मेरी रक्षा करो, जो लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें विजय प्राप्त होगी, वे कल्याण और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, माँ की नियमित भक्ति से साधक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो सोई हुई होती हैं, वो जागृत हो जाती हैं, व्यक्ति को उसके उच्चतम शिखर तक ले जाती हैं, और व्यक्ति इस जीवन में अपने श्रेष्ठतम स्वरूप को, अपने श्रेष्ठतम स्तर को प्राप्त करता है, माँ की कृपा को प्राप्त करता है। तो मानव जीवन में माँ की भक्ति परमावश्यक है और सर्वश्रेष्ठ है। आज की वीडियो भी इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।